अब्दुल हादी के काम देखे भैया, सुबह सुबह जो है ना हर बंदा अपने काम को लगा है, तो इसको वाकर में बिठा दिया है ताकि ये तंग ना करे यार, कोई अपना काम ही कर ले। अच्छा, इतनी तेज धूप निकली हुई है फिर भी अम्मी जो है ना अंदर इधर रोटियां अंदर बैठ के बना रही है। हवा तो कहना है मैं तेज धूप निकली है। धूप निकली है जरी, चलो। अच्छा भैया, कोई कह नहीं, तू सर रोटियां बड़े ना बैठे। हां जी भैया, बहुत ही याद अब्दुल हादी के कपड़े धोती आवे, मैं कि चलो मैं दो चार सके नहीं आली। अच्छा, नाश्ते च क्या बड़े ने? कि जो बड़े से करिए टमाटर कई बस सवा दे तो। नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, लेकिन अम्मी जो है ना बना रही है रोटियां, और हमारी गंदा भी व्यवस्था खत्म होने वाली है। ठीक है, कितने ये दो पुतले बच्चे पे? हां ये माशाल्लाह, ये दो पुतले हम बच्चे पे तक पते वाले, तो दो गुथले बचे हुए हैं अभी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे सी, अल्लाह बरकत से। गंदम खत्म थी वैसे वालो व्यवस्था गिनने होने आटे दे थैलिया। हाँ। वालो वे थैली गिना है हुआ जेड़ा ना खा दी रखी। चलो मैं बिया को देखा वो क्या करे ने अपन। माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश रोटी है, देखो सुभान अल्लाह। अच्छा हुण तंदूर दा भी कुछ करूं, ठीक है ना? हुण तवे दी रोटी दा क्या नहीं खावणी ना, तंदूरी चाह सावण बड़े ने। हां तंदूरी चाह उगबड़े ने, ठीक है ना। ये हमारी जो तंदूरी है ना, देखे हुए इसकी हालत बिल्कुल बुरी हो गई है ना। ये हमने सारी इधर से निकाल के, ये सारी इधर सफाई करके ना नई तंदूरी लगाएंगे। ये तंदूरी बिल्कुल टूट के बेकार हो गई है, नहीं लगाएंगे। गर्मियों में आपको पता है कि तवे की रोटी तो नहीं खा सकता बंदा। आदी बेटा, ये इधर आ गया अब्दुल हादी दे। नहीं उसको पता है, मम्मी के पास आ गया, कहता मम्मी कहाँ। ये देखें कपड़े धो लूं आपके। ओए क्या हो गया, कहता है पैर हटाओ। चलो मैं हटाता हूँ, चलो चलो हट गया, चलो चलो हट गया। अब्दुल हादी इधर आ जाओ, क्या कर रही हो सुबह सुबह? अब्दुल हादी के कपड़े कपड़े मैंने कहा धो लूं, अभी धूप निकली हुई है ना, सूख जाएंगे। अच्छा फिर आपके लिए नाश्ता भी बनाना है। हाँ नाश्ता बना दो। ये क्या कहता है? कहता है उठाओ मुझे भी, ये थक गया ना, कब से कब से बैठा हुआ है। ठीक है चले आ रही हूं, बस इसको उठा लो, अब थका हुआ है। गाड़ी ले, ओए आगे नाली है अब्दुल हादी, ओए नाली है, फंस जाओगे मेरा। वो देख जाओ जाओ आगे ले जाओ ले जाओ, अब्दुल हादी आगे ले जाओ। चलो कंडे यार गंदा। इधर सुहाना देखें जी क्या कर रही है। ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है, तो आज बकरी जो है ना कैसे मजे से धूप में सो रही है, ठीक है, नींद कर रही है। ये क्या कर रही हो? ये देसी काम कर रही हूँ। हाँ चौका बना रही हूँ, और क्या कर रही हूँ बकरी के लिए। हाँ। अच्छा वो जो घास को काटने वाली व्यवस्था होती है ना, वो मशीन। हाँ। हाथ वाली टोके वाली मशीन वो हमारी नहीं है ना, तो हम घास डालते हैं ना अपनी गाय को जानवरों को, तो वो भी हम सायों से कटाई करके ले आते हैं। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा मैं हाथ से ही बना के बकरी को डाल देती हूँ। वो भी इंशाल्लाह लूंगा, लेकिन वो अभी तो आपको पता है कि आपके भाई के पास इतनी फुर्सत नहीं है वो, क्योंकि इतनी महंगी मिलती है ना। ये अभी खा लेगी बकरी जी भाई, वो उसमें डाल के ना वो जो सूखा। हाँ वो तूड़ी तूड़ी मिला के तो फिर उसमें डाल दूंगी, खा लेगी। सही है सही है, तूड़ी में मिला के तो फिर डाल देना। साथ में बिल्ली सो रही है, धूप निकली है ना अभी, है 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 है, बिल्ली सो रही है, दोनों बकरी भी बिल्ली की बकरी को भी नींद आई हुई है जी। ठीक है, और बिल्ली को भी नींद आई हुई है, दोनों सो रही है धूप में।
थक गया मैं, ये काम भी कोई आसान नहीं है, कोई भी काम वो आसान नहीं होता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ बहने और भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। तो इधर हम जानवर बांधते हैं, आपको पता है, तो ये जानवरों की जगह मैंने कहा मैं साफ कर दूं, तो ये सारी मैंने साफ कर दी। अभी इकट्ठा करके ना ये बाहर ही डाल देंगे। ठीक है, तो आज व्यूअर्स, कल आपको पता है कि माशाल्लाह हफ्ते का दिन था। ठीक है, तो कल का पहला दिन मैंने काम पे लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। तो आज घर वालों को, फौजिया को, अम्मी को ना सरप्राइज देना है। वो क्या है कि कल मैंने पहला दिन ही लगाया था, तो भाई को मैंने कह दिया था, भाई मुझे जो है ना कुछ सैलरी एडवांस चाहिए। ठीक है, तो काम तो मैं कर रहा हूँ ना, आपको पता है कि मैं कोई एतबार वाला बंदा हूँ, वो बंदा नहीं हूँ कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वगैरह उधर ही उनके पास ही हैं। ठीक है ना, तो खैर उनको एतबार आ गया, उन्होंने कुछ पैसे मुझे सैलरी के एडवांस दे दिए, जो अभी मैंने अम्मी को और फौजिया को बताना है। अभी तक मैंने नहीं बताया, कल रात से आ गया था ना, तो अभी तक नहीं बताया। ठीक है, वैसे अभी मेरा जाने का टाइम हो गया, नाश्ता वगैरह करके मैं चला जाऊंगा, तो शाम को जो है ना मैंने वापसी पे आके इनको बताना है। ठीक है, अभी तो मैं चला जाऊंगा, शाम को आऊंगा तो बताऊंगा। अभी छोटा मोटा काम खत्म करके, नाश्ता करके ना मैं चला जाऊंगा, 11 बजे मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो 4 बजे आ जाता हूँ वापसी, तो वापसी पे आके ना इनको सरप्राइज दूंगा इंशाल्लाह। अबू आप आके अबू ना जो काम पर गए थे, हादी बेटा आपको मिस कर रहा है ना, देखना कह रहा है क्या जब अबू नहीं आ रहे। मेरा बेटा मुझे नहीं देख रहा, वो कहता है पता नहीं लेके अबू क्या है वो देख रहा है। ठीक है, मेरे बेटे सब्जी लेके आपके खाने की चीजें तो बढ़िया, खुद खाते भी नहीं है। हाँ, कहता है कि वो उसमें से कुछ निकालो, क्या है ये सब्जी है मेरा बेटा, सब्जी है आपको नहीं देना, ये बनानी है जाके जाओ। आपका शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा था। अच्छा। आप सुनाएं क्या किया है सारा दिन? बस ऐसे ही काम, शाम धूप निकली, आज तो सुरखी सुरखी लगा के जी देखे ना, आज तो बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, बस हमने इधर काम शाम किया था, कपड़े छपड़े, आपको पता ना जब धूप निकलती है तो सारे काम एक ही साथ करने पड़ते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सुहाना भी, हमने आवाज सुनी तो सुहाना भी आ गई है। ये पकड़ो, आ जाओ अंदर चलते हैं, आज आप लोगों को सरप्राइज भी देना है ना मैंने। हाँ। वैसे देना तो कल था, लेकिन कल से मैंने रोक के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है सरप्राइज। कल से ही आप हमें इंतजार करा रहे हैं, चले अब बता भी दें। चले आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा अब्दुल हादी, वाकर पे खड़ेगा, वाकर ले आओ, वाकर पे खड़ेगा, बैठ जाएगा। अभी शाम हो गया ना, वाकर पे नहीं करेगा पूरा, खड़ता हूँ। चलिए, तो अभी भाग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है माँ? ठीक है वे? अल्लाह गुजर दे पे यार, अल्लाह बंदा तेल लेना बुढ़ा। ठीक है, बल सिर्फ बंदा जहाड़े ही गिर दे कि वक्त की में मुकदा वेंदे ना, क्योंकि जवान है तो बंदे को फिक्र होंगी मैं शादी करनी है। ठीक है, उनके बाद घर संभाल रहे, लेकिन ये चीजें जो है हुन माशाल्लाह गुजर गए ना। हां, नमाज ता दमो पढ़ते हैं मेरा, बाल बच्चे दिमाग के देने। ठीक है, दे फैमिलियां बना के देने, अगू पुत्र है जो पोत्र जाम में थोड़ी ज्यादा ये देखने के वक्त की में गुजरता है। ठीक है, पता नहीं चलता इतनी गुजर में दिए तेजी नाल, लेकिन बंदा आंदे हूं वेले को ज्यादा ही अल्लाह सही को याद करे दे। ठीक है, 24 घंटे अल्लाह सही दी इबादत च बैठा रहंदे, नमाज पढ़ी है अल्लाह पाक को याद करे दे। जवानी च दा वाली बंदा चलो की वेले नमाज सवेर वाली पढ़ के दे, की वेले दिन वाली, की वेले शाम वाली, इन तरीके नाल पढ़ के दे, लेकिन जेले बुढ़ापा आंदे ना हूं वेले
वैसे मेरी तो ये सलाह है तो जवानियत करनी चाहिए। हां ये सलाह सबके नमाज हो दिए बुढ़े पे तो है कहना होगी जवानी। कोई भी विवेक देखो कोई भी काम में ना ठीक है बेशक नमाज हो गए ठीक है लेकिन कोई भी काम में कारोबार है देखो कोई भी काम में ना तो जवानी बेहतर है ठीक है। निमा से इबादत ही करो जवानी करो उन्हें उन्हें सवाब ज्यादा मिलते हैं। जूता देना। अस्सलाम वालेकुम बस तो कैसे हैं आप सब। सलाम आ गया याद आपको सुबह हाँ। से सुबह कर लिया करो ना सलाम। असल में मोबाइल एक है तो जो कुछ वीडियो सुबह बना के चला जाता हूँ कुछ जो है ना फिर कुछ शाम को आके बनाता हूँ ठीक है। तो इसलिए अभी इंशाल्लाह मोबाइल भी और लेना है ताकि देर सवेर हो जाती है तो फिर बंदे को ये है कि ये वीडियो तो बना ले। कल भी हमने वीडियो नहीं बनाई है ठीक है। चले भाई अब तो कल ये था कि काम पे पहला दिन था माशाल्लाह हफ्ते का दिन था तो इसलिए कल थोड़ा टाइम उधर मेरा ज्यादा लग गया था तो आज माशाल्लाह अपनी रूटीन में आ गया हूँ जैसे रूटीन में आता हूँ। चलो अल्लाह पाक बरकत दे सी अल्लाह पाक बेहतर करे से। तो ये देखें जी आपके भाई की सैलरी लगी है माशाल्लाह अभी उनका भी नया नया काम है अल्लाह करे उनका भी चल जाए तो अभी 15,000 सैलरी उन्होंने मेरी मंथ की स्टार्ट की है ठीक है। 15,000 सैलरी में से ये कुछ पैसे मैंने एडवांस ले लिए थे ताकि मैंने कहा अम्मी को दे दूं क्योंकि 1,000 काम होते हैं जरूरत भी होती है ना ये मैं गिनती करवा दूँ सा कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कुछ 5,000 ले लिया था मैंने कहा भाई जरूरत है तो इंशाल्लाह बाकी आगे फिर आगे ही होगा सब कुछ बस ये खुशी मैंने इनके चेहरे पे देखी थी ठीक है। अल्लाह पाक का हां जितना साले बात है 5 लाख के हां 5,000 नहीं 5 लाख के हां बस बरकत छटे जो भी जरूरत होती है तो सुहाना अम्मी से ले लेती है फौजिया को जो चीज जरूरत होती है तो अम्मी को क्या हां मुझसे भी ले लेती है तो मैं अम्मी से मेरे पास भी होते हैं ना तो मैं अम्मी को दे देता हूं अम्मी से मैं ले लेता हूं कभी जो भी चीज क्योंकि जब हमारे घर पे हमारे बड़े हमारे सर के ऊपर हैं तो हर काम वैसे भी इनसे पूछ के करना चाहिए और जो भी अमानत हो जो भी चीज हो तो इनके पास ही रखनी चाहिए क्योंकि बरकत होती है ठीक है। ये एक किस्म का बंदा जैसे सिक्योरिटी होती है ना बंदे को परेशानी कोई नहीं होती तो इस तरीके से बड़े जो है ना चीज संभाल के रखते हैं यार मैंने सुबह पहन के जाना है क्या कर रही है इधर आके रख दिया आपने अच्छा मैं फ्रेश होता हूँ ठीक है ये सब्जी लेके आए जी जी सब्जी हाँ आपने ऐसे देख के उतार लिया बीच में नजर आ रहा है ना मैंने कहा पता नहीं बोल दिया कि बात जादू है सुबह कहा था ना इसलिए पता चल गया इसने जाते हुए मैंने पूछा था सब्जी के बारे इसने बता दिया आप तो कह के कि मैं ना हूँ तो चने की दाल पड़ी है वो ही चने की दाल पड़ी हुई है मैंने कहा वो बना लेना ठीक है ना चले बना के रखे आप ठीक है।